बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। टू अपोजिट एंड एट फर्स्ट साइट कन्फ्लिक्टिंग मेरिट्स बिलोंग टू साइंस एज अगेंस्ट लिटरेचर एंड आर्ट। द वन विच इज़ नॉट इनहेरेंटली नेसेसरी बट इज सर्टनली ट्रू एट द प्रेजेंट डे इज होपफुलनेस एज टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट and in particular as to useful worth that may be accomplished by any intelligent student. This merit and the cheerful outlook which it engenders prevent what might otherwise be the depressing effect of another aspect of science, to my mind also a merit, and perhaps its greatest merit. I mean the relevance of human passions and of the whole subjective apparatus where scientific truth is concerned. Each of these reasons for preferring the study of science requires some amplification. Let us begin with the first. बेटे कुछ important words जो हैं meanings वो note down कर लीजिए। सबसे पहले conflicting, नबर्दाज़वा, inherently पैदाइशी, accomplished तकमील करना, मुकम्मल करना, irrelevance लातालुकी, subjective ज़ाती या अंदरूनी, amplification तशरीह करना। राइटर इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं? अदब और फ़न के मुकाबले में साइंस में दो मुख्तज़ात और पहली नज़र में नबर्दाज़मा खूबियाँ पाई जाती हैं, यानी कि अदब के मुकाबले में अगर साइंस को देखा जाए तो इसके अंदर हमें अदब और फ़न यानी कि लिटरेचर एंड आर्ट, ठीक है, उसके मुकाबले में साइंस के अंदर दो ऐसी प्रॉपर्टीज़, दो ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जो कि ना सिर्फ अपोजिट हैं, इसके मुताद हैं, बल्कि नबर्दाज़मा भी हैं, यानी आपस में कन्फ्लिक्ट भी करती हैं। इनमें से जो पहली है वो इब्तदा से ज़रूरी नहीं है कि वो शुरू से ही ऐसी हो, लेकिन आज यकीनन सच है। पहले शायद वो सच ना होता हो, लेकिन आज वो यकीनन सच है। इंसानी हुसूल के मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद होना है, यानी कि इंसान जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो होपफुलनेस उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमन अचीवमेंट जो है यानी उसकी कामयाबी के हिसाब से, और ख़ास तौर पर इस कदर कीमत के बारे में यकीन रखना जो कोई भी ज़हीन तालिबे इल्म रखता है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी क्या बताई जा रही है कि इंसान की जो अचीवमेंट है उसके फ्यूचर के बारे में होपफुल रहना, पूरी उम्मीद रहना, और ख़ास तौर पर इसकी जो कदर व कीमत है, ठीक है, कैसे आप ये हासिल करते हैं, वैल्यू या उसकी वर्थ जो है उसकी कदर व कीमत, ठीक है, उसके बारे में यकीन रखना, और जो कोई भी ज़हीन तालिब इल्म है वो इसकी तकमील कर सकता है, वो उसको अकम्प्लिश कर सकता है। ये जो खूबी है और इससे पैदा होने वाला जो एक खूबसूरत और पुरमसरत खुशी देने वाला नुक्ता नज़र जो है साइंस के एक और पहलू जो कि बसूरत दीगर यानी कि दूसरे हालात में वो मायूसकुन असरात को दूर रखने करने का भी बायस बन सकता है या उसको रोकता है, जो शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी है, उसकी तरफ भी पहल मतलब एक इंडिकेशन है। मेरा मतलब है कि जहाँ साइंसी सच का ताल्लुक हो वहाँ इंसानी जज्बात और तमाम फ़ाइली तख़य्युलात को गैर अहम समझना साइंस के मुताले को तरजीह देने के लिए ज़रूरी है। इन असबाब में से हर एक की ज़रा तशरीह की ज़रूरत है। तो आइए हम पहली खूबी से इसका आगाज़ करते हैं, यानी कि मैं साइंटिस्ट कहती हूँ क्योंकि साइंस को बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रहा है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो राइटर या जो ऑथर है वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर, कि वो बता रहे हैं कि अदब और फ़न के मुकाबले में साइंस के अंदर दो कॉन्ट्राडिक्टिव जो है ना आपको बस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि दूसरे के खिलाफ नबर्दाज़मा हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे जो पहली है जो पहले शायद सच ना होती हो लेकिन आज वो सच है कि ये एक उम्मीद दिलाती है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी उम्मीद दिला रही है, और दूसरी जो है वो आपके पास जो है वो जैसे कि मायूस कुन असरात होते हैं ना कि कभी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो जाए, ठीक है, आपके जज्बात के ख़िलाफ़ या आपकी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो जाए तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं मायूसी होती है क्योंकि आप उसको अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाह रहे होते हो। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि साइंस का जो दूसरा जो नज़रिया है वो एक और जो पहलू है वो ये है कि वो इन मायूस कुन असरात को रोकते हैं,
यानी कि अगर साइंस सही तरीके से आपने पढ़ी है तो कभी भी चीज़ों को आप अपने जज्बात के साथ या अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यानी अपनी ज़ाती या अंदरूनी जो आप ख्वाहिशात के अकॉर्डिंगली आप उसको नहीं लेके चलते। अगर आपके मामलात उसके बरक्स भी होते हैं, आपके जज्बात से हट के या आपकी ख्वाहिशात से हट के भी होते हैं, तो उसके नतीजे में मायूसी पैदा नहीं होती। अगर साइंटिफिक थिंकिंग या साइंटिफिक आपका सही प्रॉपर माइंड और आपने सही तरीके से साइंस से कोई सबक हासिल किया है तो आपके पास ये जितने भी असबाब हैं इनमें से हर एक की जो तशरीह है अब वो आइंदा आने वाले पैराग्राफ में ऑथर आपको करके दिखाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर और आर्ट आवर अटेंशन इज परपेचुअली रिवेटेड अपॉन द पास्ट। द मैन ऑफ ग्रीस और ऑफ Renaissance did better than any man do now. The triumphs of former ages, so far from facilitating fresh triumphs in our own age, actually increase the difficulty of fresh triumphs by rendering originality harder of attainment, not only in artistic achievement, not cumulative, but it seems even to depend upon a certain freshness and naivety of impulse and vision, which civilizations tend to destroy. Hence comes to those who have been nourished on the literary and artistic productions of former ages a certain peevishness and undue fastidiousness towards the present, from which there seems no escape except into the deliberate vandalism which ignores tradition and in the search after originality achieves only the eccentric. But in such vandalism there is none of the simplicity and spontaneity out of which great art springs. Theory is still the canker in its core, and insincerity destroys the advantages of a merely pretended ignorance. कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स नोट डाउन कर ले बेटे। यहाँ पर सबसे पहले अंडरलाइन कर लें, परपेचुअली नवर्टेड एंड फैसिलिटेटिंग नेविटी पेविशनेस प्रेस्टिजियसनेस डेलिब्रेट वैंडलिज्म एक्सेंट्रिक परपेचुअली दायमी नवर्टेड मरकूज करना फैसिलिटेटिंग आसान बनाना नेविटी सादगी पेविशनेस चिड़चिड़ापन फेस्टिडियसनेस नज़ाकत डेलिब्रेट दानिस्ता जानबूझ कर दानिस्ता वेंडलिज्म तखरीबी तोड़ फोड़ या डिस्ट्रक्टिव ठीक है एक्सेंट्रिक अजीब। अदब और फ़न के मुताले में हमारी तवज्जो मुस्तकिल माजी पर मरकूज रहती है, माजी के बारे में सोचते रहते हैं जब हम अदब और लिटरेचर वगैरह फ़न वगैरह को पढ़ेंगे। यूनानियों ने या तहरीके अहयाए उलूम यानी कि आप समझ लें कि रेनेसेंस जो है आपके पास एक ऐसी एज है जिसमें पुराना दौर और नया दौर की मर्ज होता है, नशातिसानिया जिसको हम कहते हैं ठीक है, जहाँ पर दोनों चीज़ें मिल रही होती हैं, मीडियोकर दौर जो होता है ठीक है। यूनानियों ने यह तहरीके अहयाए उलूम यानी दोबारा से जब उसको नया जिदत दी जाती है, तो पुरानी एजेस और नई एजेस का जो जंक्शन होता है उसको हम कहते हैं रेनेसेंस। तो यूनानियों ने यह तरीके हयाए उलूम ने आज के किसी भी आदमी से बेहतर काम किए पुराने दौर की फतुहात की बजाय इसके कि हमारे अहद की फतुहात में सहूलियात पैदा करें, असल शय के हुसूल को मुश्किल बनाकर ताज़ा फतुहात को दुशवार तर बना देती है ये एजुकेशन ठीक है, जो कि बेस्ड है आपके पास लिटरेचर एंड आर्ट के ऊपर। ना कि हमें पता है कि उसने हमारी जो प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है या जो हमने क्रिएट किया है उसकी जो प्रीवियस क्रिएशन है उसकी मद में या आगे हमारे लिए आसान बनाना चाहिए इसको मज़ीद हमारी अचीवमेंट्स को, लेकिन ये उसको मज़ीद मुश्किल बना देती है ठीक है। फनकराना जो हुसूल है या फनकराना या फ़नी जो अचीवमेंट्स होती हैं ना सिर्फ ये कि वो इज्तमाही नहीं होती, वो इंडिविजुअल होती हैं ठीक है। हर एक के अंदर जाहिर सी बात है हर एक की इम्पल्स डिफरेंट है, हर एक की बसीरत एक दूसरे से डिफरेंट है
ठीक है, तो वो इंडिविजुअल है, उसमें कलेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है, उसको हम इकट्ठा नहीं देख सकते। देखिए आर्टिस्ट होता है ना, हर किसी की एक अलग इंस्टिंक्ट होती है, तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि फनकाराना अचीवमेंट्स जो होती हैं वो इज्तमाही नहीं होती, बल्कि ये मुहरका और बसीरत की ख़ास फ्रेशनेस या ताजगी या फिर सादगी, सिंप्लिसिटी जिसको आप कह सकते हैं, नैविट यानी बिल्कुल ही चीज़ों से मुबर्रा होना, सादा होना, उस पर मुनहसर है। जिसे तहजीब तबाह करती महसूस होती है कि हमें लगता है कि जो तहजीब है, ये सिविलाइजेशन है, वो इस चीज़ को जो एक सादापन या एक जो ताजगी है जो हर एक की आर्ट में होती है, उसको तो वो तहजीब तबाह करती महसूस होती है, बल्कि वो हमें कहती है कि जो प्रीवियस पुरानी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा कदीम ज़मानों के अदबी और फनकाराना तख्लीकात पर नशोनुमा पाने वालों में, ज़ाहिर सी बात है वो कदीम ज़माने में है ना, पुरानी फ़न पुरानी तख्लीकात, तो देखिए तख्लीक और फ़न जो है वो हर दौर का एक ताज़ा नमूना होता है, ठीक है। और वो आप एक बात नहीं कर सकते कि हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तहजीब, ठीक है, हमारी तहजीब थी, या फिर बहुत सारी तहजीब और भी अगर आप देखते हैं, आप अपनी ट्रेडिशंस अभी को देख रहे हैं आप, पुरानी तहजीबें ठीक हैं, रही हैं, बहुत अच्छी रही हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, उसमें से बहुत अच्छी चीज़ें हम आज भी अपना सकते हैं, लेकिन वो सारी एज इट इज़ हम आज के दौर में नहीं अपना सकते। अगर हम उसको एज इट इज़ अपनाएंगे तो फ्रेशनेस और नयापन जो है, या नए जो आपके पास मुहरकात हैं और नई जो तख्लीकात हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इंसान एवोल्यूशन होता है ना इंसान के अंदर, ऐसे ही तहजीब और तमद्दुन उनके अंदर भी एवोल्यूशन होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए और नई चीज़ों को वेलकम करना चाहिए, जबकि ये जो नॉलेज है ये नई चीज़ों को वेलकम नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कदीम ज़मानों के अदबी और फनकाराना सलाहियतों पर नशोनुमा पाते हैं, उनका जो हाल या प्रेजेंट की जानब जो होता है नज़रिया, वो एक ख़ास तरह का चिड़चिड़ापन लिए हुआ होता है और ना मुनासिब जूद रंजी, और हर वक्त वो मतलब ये कि ज़रा सी बात करते हैं तो वो इतने नरम नाजुक हो जाते हैं कि वो माइंड कर जाते हैं फ़ौरन से, ठीक है। उसमें जूद रंजी और चिड़चिड़ापन पाया जाता है, जिससे किसी सूरत हम कह सकते हैं कि एस्केप मुमकिन नहीं है, यानी उससे हम फरार हासिल नहीं कर सकते, जिससे हम किसी से फरार हासिल नहीं कर सकते, सिवाय वैंडलिज्म के। अब वैंडलिज्म जो था उसमें डिस्ट्रक्शन और मतलब अपनी जो होती है हाल, उससे बगावत होती है, ठीक है, और उसमें डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप देखें ना किसी बच्चे की, अगर आप एग्जांपल देती हूँ, किसी बच्चे की अगर आप बात न माने हुए चीज़ पर बजे दो, तो वो क्या करेगा, चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, इतनी चीज़ों को नुकसान पहुँचाएगा। तो सेम यहाँ पर वैंडलिज्म फिर जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी सूरत भी इंसान इस चिड़चिड़ेपन से और इस मायूसी की कैफियत से और इस नाजुक अंदामी से के हाल से मतलब जो भी बात करें वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, हाल को किसी बहाने में अच्छा नहीं समझता, वो फिर वैंडलिज्म जो है ना एक ऐसी रवायत है जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है बहुत ज़्यादा या तोड़ फोड़ होती है, तो इंसान फिर वही चीज़ कर सकता है, उसको अपने इस हालात से निकलने के लिए एक वैंडलिज्म का रास्ता नज़र आता है, या इंसान वही चीज़ अपना लेता है, जो कि रवायत को, जाहिर सी बात है जब डिस्ट्रक्शन होगी तो फिर तो कोई रवायत, कोई कहाँ की तहजीब और क्या की चीज़, ठीक है, फिर वो रवायत को नज़रअंदाज कर देता है। और असलियत, क्योंकि जाहिर सी बात है ये डिस्ट्रक्शन क्यों पैदा होती है, जब इंसान की जो असलियत है या इंसान का जो अंदर का नज़रिया है उसको सेटिस्फेक्शन ना मिल रही हो, तो वो किसी ना किसी शक्ल में बाहर निकल के आएगा, वो डिस्ट्रक्शन की शक्ल में निकल के आएगा, ठीक है। और असलियत की तलाश में महज बे असलियत को हासिल कर लेता है, यानी कि वो असलियत को तलाश करते करते बे असलियत को हासिल कर लेता है, ओरिजिनलिटी हासिल नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है इंसान डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है, यानी कि सही चीज़ को तलाश करते करते गलत चीज़ की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, असलियत की तलाश में महज बे असलियत हासिल कर लेता है, लेकिन ऐसी वैंडलिज्म में वो सादगी और अचानकपन भी नहीं होता। जाहिर सी बात है अगर नेचुरली किसी इंसान की अंदरूनी इंस्टिंक्ट्स को बाहर निकलने दिया जाए तो उसके अंदर सादगी भी होगी और एक अचानकपन भी होगा, यानी कि एक जिसे आप क्या कह सकते हैं, बेसाख्तगी, यस, बेसाख्तगी भी नहीं होगी, ठीक है। और क्योंकि बेसाख्तगी से और सादगी से जो है ना एक अजीम फ़न पैदा होता है, और नज़रिया अब भी उस इंसान को या उस कौम को जो वैंडलिज्म अख्तियार करेगी, उसे अंदरूनी तय पे, यानी जिस्मानी तो नहीं, रूहानी लिहाज से बात की जा रही है या दिमागी इंटेलेक्चुअल लिहाज से बात कर रही है, कि नज़रिया तो अंदर भी होगा ना अभी भी, वो उसका पूरा तो नहीं हुआ, ठीक है, उसको एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिला, उसने आर्टिफिशियल तरीके से वैंडलिज्म करके एक्सप्रेस तो कर लिया लेकिन वो एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो नज़रिया अभी भी उसे अंदर से परेशान रखेगा। और अदम खलूस बज़ाहिर लाइल्मी के फ़वाद को भी तबाह कर डालता है। यहाँ कुछ मीनिंग्स देख लीजिए, स्पॉन्टेनिटी, बेसाख्ती, कैंकर, नासूर, इनसिनसियरिटी, बेलिहाजी। तो यहाँ पर बेटे ये लास्ट लाइन में बताया जा रहा है कि जो वैंडलिज्म इख्तियार करना जो है वो आपके पास सिंप्लिसिटी और स्पॉन्टेनिटी को जो है ना वो ख़त्म करता है, और यही दो जो अज्जा हैं, सिंप्लिसिटी
सादगी और बेसाख्ती यही जो है आपके पास, इसी से सोते फूटते हैं आपके पास आर्ट के, ठीक है, फन के। और यहाँ पर मज़ीद बता रहे हैं कि स्टिल अभी तक जो आपके पास जो नज़रिया है, जो इंसान का जिसको वो हासिल करना चाहता है, जिसको रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का, तो फिर वो वैंडलिज्म इख्तियार करता है। वैंडलिज्म में भी वो नज़रिया अभी भी नासूर की तरह, कैंसर की तरह अंदर उसके कहीं हॉल में मौजूद है, जो कि उसको बेचैन रखता है। और बज़ाहिर वैंडलिज्म की जो बेलिहाजी है, क्योंकि ज़ाहिर किसी का कोई लिहाज तो नहीं करेगा वो, तो जिसे आप कहते हैं इदराक नहीं करेगा किसी भी चीज़ का और डिस्ट्रॉय करना चाहने का हर चीज़ को, तो यहाँ पर भी वही जो बेलिहाजी है, ये आपके जो फ़वाद होते हैं, जैसे किसी इंसान को गुनाह पता हो, जिस इस्लाम में भी है ना कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता और आपसे वो गुनाह सरज़द हो गया या आपको पता नहीं था तो उसमें माफ़ी है, तो यहाँ पर भी है कि जो इग्नोरेंस के बज़ाहिर फ़वाद हैं कि इसको तो पता नहीं था, मासूम है, इसको माफ़ कर दो वगैरह वगैरह, इस तरह के, वो इस इनसिनियरिटी की यानी बेलिहाजी की वजह से, बदखलूसी की वजह से, या कह सकते हो अदम खलूसी की वजह से, वो सारे फ़वाद भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता तो है, ठीक है। और वो जो इग्नोरेंस है वो बज़ाहिर इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि अपने नज़रिए को लाने के लिए एक आप समझ लें उसका इख्तियार है जो उसको इस्तेमाल कर किया जा रहा है, तो वो बज़ाहिर जो एक प्रिटेंडेड इग्नोरेंस के जो फ़वाद होते हैं वो यहाँ पर आपको वैंडलिज्म में वो ख़त्म होते हुए मिलेंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि वन वे और द अदर उसको पता सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा बाहर आने का, उस थॉट को, उस नज़रिए को, तो वो फिर वैंडलिज्म इख्तियार करेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, हम ये नहीं कह सकते उसको फ़ायदा नहीं दे सकते ये कह के ओहो इसको तो पता नहीं था, ठीक है, पता होता है वन वे और द अदर, तो ये एक नुकसान जो है यहाँ पर राइटर गिनवा रहा है। The despair thus arising from an education which suggests no preeminent mental activity except that of artistic creation is wholly absent from an education which gives the knowledge of scientific method. The discovery of scientific method except in pure mathematics is a thing of yesterday. Speaking broadly, we may say that it dates from Galileo. Yet already it has transformed the world, and its success proceeds with over-accelerating velocity. In science, men have discovered an activity of the very highest value in which they are no longer, as in art, dependent for progress upon the appearance of continually greater genius. For in science, the successors stand upon the shoulders of their predecessors, which one man of supreme genius has invented a method a thousand lesser men can apply it. No transcendent ability is acquired in order to make useful discoveries in science. The edifice of science needs its masons, bricklayers and common laborers, as well as its foremen, master builders and architects. In art, nothing worth doing can be done without genius. In science, even a very moderate capacity can contribute to a supreme achievement. Despair, accelerating successors, predecessors, transcendent, edifice, moderate. Despair mean mayusi, accelerating barhana, successors, warisin, jo waris hote aane wale, predecessors, peshro, jo pehle wale hote hain, jo pehle abaudat, jinko keh sakte hain. Transcendent, bulantarin, edifice, imarat, and moderate mean aust. जी बेटे, पिछले पैराग्राफ में एक मायूस कुन पहलू का जिक्र किया गया था, फ़नी और मतलब फ़नी तो नहीं, जिसे आप कह सकते हैं कि आर्ट और जिसे कहते हैं लिटरेचर की तालीम के हवाले से, और अब थोड़ा सा उसी पहलू से कंपेयर किया जा रहा है साइंस को कि साइंस में क्या होता है। इस किस्म की तालीम से पैदा होने वाली मायूसी, जिससे कोई ख़ास काविश नहीं मिलती सवाए फनकाराना सलाहियत के, ये मायूसी इस तालीम से खारिज होती है जो साइंसी तरीक़ाकार का इल्म रखती है, यानी साइंस, ठीक है। खालिस रियाजी के सिवा साइंसी तरीक़ेकार या साइंटिफिक मेथड की दरियाफ्त अब एक किस्सा पालीना यानी माजी का किस्सा बन चुकी है,
अगर हम वसी नुक्ते नज़र से बात करें तो बात करने से ये वाजे होगा कि गलीलियो के वक्त में ही ये हो गया था, यानी ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी और ये सारा काम, लेकिन इस ने दुनिया को कम्प्लीटली तब्दील कर दिया, मुकम्मल तौर पर तब्दील कर डाला है। और इस कामयाबी के जो तेज़ी के साथ रोज़ अफ़ज़ू नतज हैं वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। साइंस में लोगों ने एक ऐसी आला कदर की कारगुजारी का सुराग लगाया है जिसमें फ़नून यानी लिटरेचर और आर्ट्स वगैरह, उसके बरक्स इन्हें मुसलसल जो है ना किसी जहीन बंदे के जहूर का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साइंस के अंदर जो वारसीन होते हैं वो अपने आबाओ अजदाद की शानों पर खड़े होते हैं, उनकी नॉलेज पर खड़े होते हैं। जहाँ एक बहुत आला दर्जे का जहीन शख्स वहाँ पे एक तरीक़ाकार वहाँ पे दरियाफ्त अगर कर ले तो वहाँ पे 1,000 कम जहानत के जो शख्स हैं अशखास हैं वो इसे मुकम्मल तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, नाफ़िज़ुल अमल कर सकते हैं, ठीक है, साइंस के अंदर। जबकि आर्ट्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे उन्हें हर एक नए काम के लिए एक जहीन बहुत आला जहीन शख्स की ज़रूरत होती है, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में दरियाफ्तें करने के लिए किसी बहुत ही अरफा काबिलियत या आला काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती। साइंस की बुलंदो बारा अमारत को मेमारों की भी ज़रूरत होती है, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, ठीक है, आम मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मज़दूर वगैरह की भी, ईंटें लगाने वालों की भी ज़रूरत पड़ती है, और माहरीन फ़न तामीर जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, माहिर मोमारों इंजीनियरों की भी ज़रूरत पड़ती है, सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं जाके साइंस की बिल्डिंग बनती है। जबकि आर्ट्स में ऐसा नहीं, आर्ट्स में उन्हें कोई हर एक चीज़ बनाने के लिए एक अलग ही प्रॉपर बहुत आला और फ़ज़हीन इंसान चाहिए होता है, ठीक है, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। फ़न की दुनिया में जो जहानत होती है उसके बग़ैर कोई काबिल कदर कारनामा सर अंजाम नहीं पा सकता, लेकिन साइंस की दुनिया में एक दरमियानी जहानत का यानी मीडियोकर या मॉडरेट एवरेज बंदा जो है, जहानत का जो शख्स होता है, वो भी एक आला मकसद के हुसूल में अपना हिस्सा डाल सकता है। यानी कि आर्ट्स में उन्होंने बताया था कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं होता, इंडिविजुअल इफेक्ट है एक अलग अलग, लेकिन यहाँ पे साइंस में कम्युलेटिव इफेक्ट होता है, कलेक्टिव इफेक्ट होता है, हर कोई उसमें अपना इतना हिस्सा काम ज़्यादा थोड़ा बहुत डाल सकता है, और वो सारे हिस्से मिल के ही फिर किसी दरियाफ्त का या किसी ईजाद का या फिर कोई भी एक बड़ा मार्का या एक अचीवमेंट का बायस बनते हैं, जो कि साइंटिफिक मेथड से भी हमें यहाँ पर, तो इस पैराग्राफ में बेटे साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया गया है। गैलीलियो कौन था, आपके पास ये रेनेसेंस के दौर का बहुत ज़्यादा मशहूर साइंटिस्ट था, इसने ज़मीन गोल है चपटी है इसके ऊपर भी नज़रिया पेश किया था, और इसने दूरबीन खुरदबीन, अब ये तो जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उनमें से आप रिसर्च करना, मुझे बताना है कि क्या है, क्योंकि देखें जब भी कोई चीज़ नहीं आती है ना उसको, अब आप टेक्नोलॉजी का दौर है उसको गूगल आउट किया करें, उसकी डिटेल देखा करें, इससे आपकी जो जनरल नॉलेज है जीके उसमें भी इजाफा होता है, और जीके जो है ना वो इंटरव्यूज़ वगैरह में और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और इसके अलावा आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनीवेज जी, तो इस पैराग्राफ के अंदर बेटे हमें बेसिकली बताया गया कि मायूसी जो आर्ट्स में पैदा हो रही थी उस सब्जेक्ट में क्लासिकल एजुकेशन के अंदर, वो किस वजह से पैदा हो रही थी, और यहाँ पे साइंस में जो है वो मायूसी नहीं है, और क्यों नहीं है, साइंटिफिक मेथड की वजह से नहीं है, और यहाँ पे जो नॉलेज है उस हर एक नॉलेज बॉडी को या अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कोई एक आला औरफा इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आर्ट्स में पड़ती थी, और यही वजह है वो माजी के आला औरफा इंसान को ही उनकी मतलब यह है कि तारीफ़ें करते हैं या उनकी ही गुनगाते नज़र आते हैं जो हमारी क्लासिकल एजुकेशन है, जबकि साइंस ऐसा नहीं करती। साइंस हर बंदे को एडमायर करती है, एडमिट करती है, ख्वाह इसका हिस्सा छोटा हो बड़ा हो, वो एक पूरे जो नॉलेज की बॉडी है उसमें उसका छोटा हिस्सा हो या बड़ा हिस्सा हो, हर एक की अहमियत अपनी है, और वो इसको अचीव करने में हेल्प आउट करती है। तो हर एक इंसान की जो अंदर की डिज़ायर है और अंदर की जो एबिलिटी है उसको ये सामने लेकर आती है, जबकि आर्ट्स में ऐसा नहीं होता, वो उसको दबा देती है और हाल से इंसान बेजार रहता है और उसके अंदर का नज़रिया फुलफ़िल नहीं हो पाता। तो कहने का मकसद ये है कि साइंटिफिक जो सुपीरियॉरिटी है वो इस पैराग्राफ में डिस्कस करें आपके ऑथर्स साहब। नेक्स्ट देखते हैं, इन साइंस द मैन ऑफ रियल जीनियस इज़ द मैन हु इन्वेंट्स अ न्यू मेथड, द नोटेबल डिस्कवरीज आर ऑफन मेड बाय हिज सक्सेसर्स हु कैन अप्लाई द मेथड विद फ्रेश विगर अनइम्पेयर्ड बाय प्रीवियस लेबर और परफेक्टिंग इट, बट द मेंटल कैलिबर ऑफ द थॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर वर्क हाउएवर ब्रिलियंट इज नॉट सो फार एज दैट रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द मेथड। There are in science immense numbers of different methods appropriate to different classes of problems, but over and above them all, there is something not easily definable
which may be called the method of science. It was formerly customary to identify this with the inductive method and to associate it with the name of Bacon. But the true inductive method was not discovered by Bacon. And the true method of science is something which includes deduction as much as induction, logic, and mathematics as much as botany and geology. I shall not attempt the difficult tasks of stating what the scientific method is, but I will try to indicate the temper of mind out of which the scientific method grows, which is the second of the two merits that were mentioned above as belonging to a scientific education. The kernel of scientific outlook is a thing so simple, so obvious, so seemingly trivial that the mention of it may almost excite derision. The kernel of the scientific outlook is the refusal to regard our own desires, tastes, and interests as affording a key to the understanding of the world. Stated thus baldly, this may seem no more than a trite truism, but to remember it consistently in matters arousing our passionate partnerships is by no means easy, especially where the available evidence is uncertain and inconclusive. A few illustrations will make this clear. Notable, vigor, unimpaired, caliber, immense, appropriate, inductive, deduction, botany, geology, temper. Notable, ahem, vigor, taakat, unimpaired, theek thaak, caliber, johar, immense, wasi, appropriate, munasib, inductive, istakrai. अब इंडक्टिव मेथड जो होता है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है इंडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्शन या इंडक्टिव मेथड के अंदर चीज़ों को स्पेसिफिक वे से जनरलाइज्ड वे के अंदर लिया जाता है, यानी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है तो उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि पत्थर नीचे फेंकने से, मतलब पत्थर नहीं, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, या ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। सिंपल हम यूँ कर लेते हैं, ज़मीन अब हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ये एक जनरल स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब जनरल स्टेटमेंट की तरफ जब हम आएंगे तो हम कहेंगे ज़मीन सेब को अपनी तरफ खींचती है, पत्थर को अपनी तरफ खींचती है, गाजर को अपनी तरफ खींचती है, टीवी को अपनी तरफ खींचती है, या कोई भी चीज़ जब वो बुलंदी पे, सर्टन बुलंदी पे होगी तो उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। बायोलॉजी में अक्सर हम स्टूडेंट्स को एग्जांपल दे रहे होते हैं कि परिंदे उड़ते हैं, ये आपके पास एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम इससे जनरलाइज्ड वे के अंदर चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक चिड़िया उड़ती है, कौवा उड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से आप जनरलाइज्ड वे के अंदर आप उससे चीज़ें निकालते हैं तो वो आपके पास इंडक्टिव मेथड कहलाता है, जिसको इस्तकराई मेथड कहेंगे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है आपके पास डिडक्शन, इस्तखराजी, जैसे डिड्यूस करना, जैसे कहानी से आप कोई सबक अख़ज़ करते हैं ना, तो आपको जनरल चीज़ें दी जाती हैं और जनरल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उसकी बेस पे आप स्पेसिफिक, जैसे हम बर्ड्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास चिड़िया उड़ती है, कौवा उड़ती है, उड़ता है, तोता उड़ता है, वगैरह वगैरह मैना उड़ती है, तो हम अख़ज़ कर सकते हैं नतीजा के तमाम परिंदे उड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि मोबाइल गिरता है, सेब गिरता है, पत्थर गिरता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब गिरती है तो इट मीन्स हर ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है या वो गिरती है, ठीक है। तो एक जनरलाइज वे से हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो इंडक्टिव में फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल जाते हैं, और डिडक्शन में हम फ्रॉम स्पेसिफिक, सॉरी, जनरल टू द स्पेसिफिक जाते हैं। इसके बाद बॉटनी आपको पता है, इल्म नबातात यानी पौधों वगैरह को स्टडी करने का, जियोलॉजी एनिमल अर्थ जिसमें आप ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं, और टेम्पर जो है मिजाज। तो ये मीनिंग्स हो गए कुछ, अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सो लेट्स कम टू द ट्रांसलेशन। साइंस में सही जहन का आदमी वो होता है जो एक नया तरीकाकार ईजाद करता है, बाकी अहम दरियाफ्तें अक्सर औकात बाद में आने वाले करते हैं, जो इस तरीकाकार को ताज़ा कुव्वत से काम में ला सकते हैं, यानी एक नॉलेज के ऊपर दूसरी नॉलेज बिल्ड हुई हुई है, ठीक है। यानी कोई तरीका डिस्कवर करेगा और जो दूसरी दरियाफ्तें वगैरह होंगी वो उसी मेथडोलॉजी के ऊपर नए आने वाले जो हैं इस तरीकाकार को ताज़ा कुव्वत के साथ अपने काम में लेके आएंगे, एक नए एंगल से देखेंगे।
क्योंकि वो इसे मुकम्मल करने की साबका मेहनत से थके हुए नहीं होते। एक इंसान एक ही टाइम पे एक काम कर सकता है ना, सारे काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हर कोई अपना अपना हिस्सा डालता है। इनके काम के लिए फ़िक्र के जिस दर्जे की ज़रूरत होती है वो यकीनन आला तर होता है, लेकिन इस आला इस कदर आला नहीं होता जितने की ज़रूरत तरीक़ाकार के अव्वल मौजूद को थी। साइंस में मसाइल ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ इनिशिएट होती है वो ज़्यादा ताकत मांगती है, ज़्यादा आपके पास मेहनत मांगती है। तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि आला तरीन दर्जे पे वही होगा जिसने शुरू में इस काम को किया होगा, बाकी लोग अपना अपना हिस्सा इसमें डालते रहेंगे। तो आला जो है आपके पास दर्जा जिसके लिए फ़िक्र की ज़रूरत है वो आपके पास स्टार्ट में है, जिसने काम कोई भी तरीक़ाकार ईजाद किया है। बाकी लोग फिर जो है ना, बाकी जो मौजूदा उनको उतनी आला दर्जे की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उससे कम में भी काम चला सकते हैं। साइंस में मसाइल की मुख्तलिफ दर्जा बंदियों के शायान निशान बहुत तादाद में तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो ऊपर अरफा और एक आला चीज़ है जिसको आसानी से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तारीफ़ नहीं की जा सकती, जिसे हम साइंस का असल तरीक़ाकार कहते हैं। और साबका अदवार में इससे इस्तकराई तरीक़ाकार के साथ जो आपके पास मुतशख़्स किए जाने वाले का जो रवाज था कि हर एक तरीक़ाकार के साथ किसी को एक मतलब अटैच कर दिया जाता था कि ये फलान है, ये फलान का तरीक़ाकार है, इसे बेकन के नाम से जोड़ा जाता था। लेकिन बेकन जो है आपके पास एक का इंग्लिश फ़िलासफ़र और स्टेट्समैन था, साइंटिस्ट था, ठीक है, और ऑथर भी था। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप किसी एक के साथ इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। साबका अदवार में इसको जोड़ देते थे, ठीक है, जैसे बेकन के नाम से इसको जोड़ा जाता था, लेकिन हकीकतन जो इस्तकराई तरीक़ाकार है बेकन ने दरियाफ़ नहीं किया था। और हकीकी साइंसी तरीक़ाकार तो वो है जिसमें इस्तकरा, इस्तखराज यानी इंडक्टिव, डिडक्टिव और मंतक, ठीक है, लॉजिक और मैथ्स, और इसी तरीके से बॉटनी और यहाँ पर जो जियोलॉजी है, तमाम के तमाम शामिल हैं, ठीक है। हकीकी जो आपके पास साइंटिफिक मेथड है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं ये मुश्किल काम सर अंजाम नहीं दूंगा कि ये मैं बयान करूँ साइंटिफिक तरीक़ाकार क्या है, और आप लोग चूँकि बीएससी के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर वो ना भी बताए तो ठीक है, लेकिन ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस मिजाज के जहन से साइंसी तरीक़ाकार की नशोनुमा होती है, जो कि इन खूबियों में से दूसरी थी जिनका जिक्र हमने किया था कि साइंसी तालीम में पाए जाते हैं। हमने दो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था ना, ये दो चीज़ें होती हैं, दो खूबियाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंसी तरीक़ाकार की जो नशोनुमा होती है किस मिजाज के जहन से होती है, ठीक है, तो वो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है साइंस की। ऑब्वियस, ट्रिवियल, रीजन, राइट, ट्रूइज्म, इनकंक्लूसिव। ऑब्वियस वाजे, ट्रिवियल मामूली, रीजन आपके पास तस्हीक या मजाक उड़ाना, ट्राई ट्रूज़म मुसलमा या दरीना हकीकत आम सच जिसको सारे जानते हैं, और इनकनक्लूसिव गैर फैसला को। अब साइंसी नुक्ता नज़र का मरकजी हिस्सा एक इतनी सादा सी या कर्नल यानी बुनियादी मरकजी, ठीक है, हिस्सा इतनी सादा सी या इतनी हकीर दिखाई देने वाली, ठीक है, सो सिंपल जो आपके पास है या ट्रिवियल मामूली नज़र आने वाली हकीक नज़र आने वाली शय है कि इसके इजहार से बहुत सी भवें सुकड़ जाएंगी। यानी कि हम इतना बड़ा हम साइंस को कह रहे हैं साइंस पता नहीं क्या चीज़ है, और साइंस का जो मरकजी हिस्सा है वो बहुत सिंपल सादा सा है कि लोग कहेंगे अच्छा, जैसे वो हम नहीं भवें चढ़ा देते, अच्छा तो ये था खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी सिंपल आप समझ सकते हैं कि कौन सी फीलिंग होगी कि बहुत सारी भवें सुकड़ जाएंगी। साइंसी नुक्ता नज़र का मगज़ हमारा अपनी ख्वाहिशात, अपने ज़ौक, अपनी दिलचस्पियों के हवाले से दुनिया को समझने से इनकार करना, इतने भौंडे तरीके से बयान करने से ये बात एक आम से सच के अलावा और कुछ ना दिखाई देगी, लेकिन इन मामलों में इसे मुसलसल याद रखना इतना आसान नहीं है जिनमें हमारे जज्बात का अमल दखल हो, ख़ास तौर पर जहां मौजूदा शहादत गैर यकीनी और फैसला कुन हो। चंद मिसालें इस बात को वाजह कर देंगी, मिसालें आइंदा आने वाले पैराग्राफ्स में डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं कि ओवरऑल साइंस का अगर लुबे लुबाब बयान किया जाए तो लोग कहेंगे हैं बस ये था जिसके लिए इतनी लंबी कहानियाँ बयान की जा रही थी, तो वो क्या था कि दुनिया को आप अपनी ख्वाहिशात, अपने ज़ौक और अपनी दिलचस्पियों के हवाले से ना समझें, यानी दुनिया को समझने से इनकार कर दें जिसमें आपकी ख्वाहिशात, ज़ौक और दिलचस्पियाँ भी इन्वॉल्व, यानी अपनी ख्वाहिशात, दिलचस्पियों और ज़ौक़ियाना को उतार के दुनिया को समझना
आपके पास साइंस का बुनियादी नुक्ता है, नज़र है, जो कि एक आम सा सच है, सिंपल सी बात है, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं करता। ठीक है, हर किसी को कोई ना कोई कोई दूसरा इंसान जो है वो उसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली अगर ना मिले तो वो उसको वन वे और द अदर जो है वो झुठलाता है या बुरा समझता है या कहता है मुझे इससे क्या वगैरह वगैरह। ठीक है, जहाँ से उसकी जज्बात एसोसिएटेड होते हैं, उसके मतलब एसोसिएटेड होता है, उसकी दिलचस्पियाँ अपना ज़ौक एसोसिएटेड होता है, वो उसी के अकॉर्डिंगली लेके चल रहा होता है पूरी दुनिया को। लेकिन साइंस कहती है आप इससे हट के चलें। ठीक है, वो इसकी बेस है। और बता रहे हैं कि ये चीज़ जितनी सिंपल नज़र आती है वो इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि हम जब ज़िंदगी में खो जाते हैं, दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं, तो हमारे ऊपर, क्योंकि हम इंसान के अंदर हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, या इंसान के अंदर जज्बात जो है, क्योंकि इंसान जो है ना इमोशनल बीइंग भी तो है ना हम लोग। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल बीइंग नहीं है, हम एक बॉडीली बीइंग नहीं है, हम जिस्मानी रूहानी जहनी नहीं, बल्कि हम एक जज्बाती मतलब आप कह सकते हैं कि जज्बाती शख्सियत भी रखते हैं। तो इस लिहाज से जज्बात को हम जितना मर्जी हम अपने इन्वॉल्व हों तो जज्बात वन वे और द अदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इन मामलों में ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि आपको दुनिया को अपने जज्बात से हट के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर ऐसी एविडेंस के जहाँ पर अनसर्टन हो फैसला, या आपके पास गैर फैसला कौन सिचुएशन हो जाए, ठीक है, जहाँ पर आपके पास जो पार्टनरशिप्स हैं वो इस तरीके से हो कि आपके पास इतनी इजी ना हो। ठीक है, और अवेलेबल एविडेंस जो है वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, तो फिर वहाँ पर आपके जज्बात इन्वॉल्व ना हो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स इसको, कुछ इलस्ट्रेशंस जो है ना, एग्जांपल या आप समझ लें मिसालें इसको वाजे कर देंगी। तो जो मिसालें इसको वाजे करेंगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, प्रीवियस पहले दो लेक्चर्स भी काफ़ी एक घंटे के हो चुके थे। So it's better to cut it half at this point. So inshallah last जो आपका portion होगा वो part fourth के अंदर lecture में cover किया जाएगा, and after that I will share a brief summary of this whole chapter which will help you people to solve the questions in the exams. ठीक है, तो exam point of view से summary inshallah discuss करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। अल्लाह ताला की अमान में रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।